गर्मियों के मौसम में एक गांव में सभी गांव वाले अपनी अपनी छतों पर लेटे हुए थे। चांदनी रात थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसी गांव में नमन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। नमन का बेटा राजू चांद की ओर देख रहा होता है और नमन से बोलता है, पिताजी ये चांद रात में चांद होता है और दिन में सूरज क्यों बन जाता है? बेटा, चांद और सूरज दो अलग अलग चीजें हैं। सूरज दिन में निकलता है और चांद रात में, समझे? चलो अब सो जाओ, रात काफी हो गई है, मुझे भी सोने दो, कल काम पर जाना है। ऐसा कहकर नमन सोने लगता है, लेकिन राजू को नींद नहीं आती और वो चांद को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद चांद का रंग बदलने लगता है और वो लाल रंग का हो जाता है। ये देख राजू नमन से बोलता है, पिताजी पिताजी चांद का रंग बदल गया है, देखो देखो वो लाल हो गया। क्या है राजू, सोने दे मुझे, ना तो खुद सो रहा है और ना मुझे सोने दे रहा है, क्या हुआ, क्या बात है? राजू डरते हुए चांद की तरफ इशारा करता है। नमन चांद को देख घबराते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये चांद तो सचमुच में लाल हो गया है, ये सब क्या हो रहा है? तभी चांद हंसने लगता है और बोलता है, गांव वालों, तुम सब की मौत आ रही है, कुछ दिनों में सब मरोगे। सब के सब या तो यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद चांद का रंग फिर से पहले जैसा सफेद हो जाता है, लेकिन गांव वाले काफी घबरा जाते हैं और अगले दिन सुबह गांव की चौपाल में मिलते हैं। नमन भीमा से बोलता है, भीमा भैया, कल देखा आपने, चांद का रंग बदल गया था और वो हमें मारने की भी धमकी दे रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब कुछ। हाँ देखा तो मैंने भी अपनी छत से था, लेकिन मुझे कुछ बात समझ नहीं आई, मुझे तो आँखों का भ्रम लगा। अरे भीमा भैया, ये कौनो गणित का सवाल है जो तुमको नहीं समझ आया है? और दारू पिए थका जब भ्रम लगा? अरे वो चंदवा हम लोगों को धमका रहा था सीधा सीधा, और तुम कहा तो कुछ समझ नहीं आया है? अरे इसीलिए तो मैं तुमसे बात नहीं करता पुत्तन, बिल्कुल जाहिल की तरह बात करते हो। अरे तुम दोनों लड़ो मत, एक तो ये चांद की बात से इतना डर लग रहा है और ऊपर से तुम दोनों भी लड़ रहे हो। मैं तो कहता हूँ आज रात का इंतजार करते हैं और अगर कुछ होता है तो कल फिर मिलेंगे और देखेंगे कि क्या करना है। नमन की बात गांव वालों को जम जाती है और वो रात का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात होते ही चांद का रंग फिर से बदलने लगता है और थोड़ी ही देर में लाल हो जाता है। गांव वाले अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। मुझे देख रहे हो? लगता है मेरी बात तुम लोगों को समझ नहीं आई, लगता है तुम लोग मर के ही मानोगे। चांद की बात सुनकर नमन कहता है, चांद जी ये हमारा गांव है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन तुम हो कौन? लगता है तुम लोगों ने मरने का ठान लिया है, अगर ऐसा ही है तो ये ही सही। चांद के ऐसा बोलते ही वहाँ जोरों से लाल रंग की बारिश होने लगती है। ये देख गांव वाले घबरा जाते हैं, लेकिन वहीं पर एक शराबी जिसका नाम दिनेश होता है बोलता है, अरे तुम लोग तो कह रहे थे कि लाल रंग की बारिश हो रही है, मुझे तो ये रेड वाइन लग रही है। दिनेश की बीवी सीमा गुस्से में चिल्लाती है और बोलती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कहां से मैं इस शराबी के पल्ले पड़ गई। अरे मनहूस, ये शराब नहीं खून है, तुझे खून और शराब में फर्क नहीं पता चलता क्या?
हाय रे हाय। सीमा के मुंह से खून का नाम आते ही सब गांव वाले बारिश की बूंदों को हाथ में लेते हैं। वो बूंदे सच में इंसानी खून होता है। अरे ये तो सचमुच में खून है, सबके सब भागो और अपने घरों के अंदर चले जाओ। नमन की बात सुनकर सारे गांव वाले घर के अंदर चले जाते हैं और छिप जाते हैं। रात भर वो खून की बारिश होती रहती है। सुबह होने पर गांव वाले घरों से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ खून ही खून होता है। अरे ये सब क्या हो गया, हमारी तो गेहूं की पूरी फसल ही बर्बाद हो गई। अरे पुत्तन भैया आप रोइए मत, हमारे यहाँ तो चांद और सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। हम सब गांव वाले आपके साथ हैं, हमारी भी फसलें खराब हो गई हैं, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। क्या समाधान निकालोगे नमन तुम? देखा नहीं उस चांद ने हमें क्या कहा है, इस गांव को छोड़कर चले जाओ। भीमा भैया आपको जाना है तो जाओ, मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा गांव है, मैं एक शैतान से डरकर गांव नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर नमन वहां से चला जाता है। रात होते ही वही खूनी चांद फिर से निकलता है और बोलता है तुम गांव वाले लगता है ऐसे नहीं जाओगे, अगर ऐसा है तो मरो फिर। ऐसा कहकर चांद फिर से वही खूनी बारिश करने लगता है। गांव वाले पूरी रात घरों में दुबक कर बैठे रहते हैं और सुबह जब सब बाहर निकलते हैं गांव वाले अपने अपने जानवरों के पास जाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से सारे जानवर मर चुके होते हैं। गांव वाले रोने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। नमन भैया लगता है अपना इस गांव में इतना ही दाना पानी था, अब हमें ये गांव खाली कर देना चाहिए, नहीं तो अपने पालतू जानवरों के बाद अपना भी नंबर आ जाएगा। हाँ। ऐसा कहकर भीमा और उसके पीछे सभी गाँव वाले वहाँ से चले जाते हैं। तभी नमन का बेटा राजू वहाँ आता है और नमन से कहता है पिताजी मुझे आप पर गर्व है, आप सचमुच में बहादुर है, मैं आपके साथ ही रहूँगा। राजू की बात सुनकर नमन को हिम्मत आ जाती है और वो गांव से दूर एक जंगल में एक साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा नमन को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं आओ नमन बेटा आओ, इस दिन का तुम्हें कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। बाबा आप मुझे कैसे जानते हैं, आप और मैं तो पहले कभी नहीं मिले। नमन बेटा मैं तो तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म से जानता हूँ, ये सब जो हो रहा है तुम्हारे पिछले जन्मों का परिणाम है। दरअसल तुम पिछले जन्म में इस गांव के राजा थे और ये चांद रूपी शैतान जो है वो दूसरे राज्य का राजा था। लेकिन बाबा अगर ये मर गया था तो ये चांद कैसे बन गया? लगता है नमन बेटा तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। अरे ये तांत्रिक शक्तियों में निपुण था और इसने अपनी तंत्र विद्या से चांद को बंदी बना रखा है। लेकिन बाबा अब हम इससे कैसे निपटेंगे, अगर ऐसे ही रहा तो ये सबको मार डालेगा। बेटा उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। बाबा कुछ भी हो मैं लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। बेटा तुम्हें अपने बेटे राजू के अंदर मेरी आत्मा को जाने देना होगा, क्योंकि चांद के पास जाकर ही उस शैतान को मारा जा सकता है। नमन के हाँ करते ही साधु बाबा अपने प्राण त्याग देते हैं और उनकी आत्मा नमन के साथ जाती है। रात में चांद गांव में फिर निकलता है। नमन छत पर राजू के साथ खड़ा होता है, लेकिन तभी साधु बाबा की आत्मा राजू के अंदर प्रवेश कर जाती है और नमन को दूर धक्का दे देती है। दुष्ट शैतान नमन को तू छू भी नहीं सकता, आज तेरी मौत पक्की है। ऐसा कहकर राजू
चांद के मुंह के अंदर घुस जाता है। चारों तरफ जोर से रोशनी होती है और बहुत जोरों से बिजली कड़कती है। जब रोशनी हटती है तो शैतान की लाश नीचे पड़ी होती है और राजू बेहोश होकर नमन की गोद में गिरता है और सब गांव वाले भी वापस अपने गांव आ जाते हैं।